गाइस ये T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच सबसे सस्ता अल्ट्रा स्मार्ट वॉच जो अभी के टाइम पे आपको मिल सकता है। ये जब लॉन्च हुआ था तब 800-900 हजार रुपए के अराउंड ये बिक रहा था Amazon, Flipkart, Meesho अलग अलग वेबसाइट्स पर, लेकिन अभी इसका प्राइस ह्यूजली ड्रॉप हो चुका है। आपको 400-500 रुपए के रेंज में 600 रुपए तक मैक्सिमम ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन मार्केट पे अवेलेबल है। इसे मैंने Amazon से खरीदा था, 600-700 रुपए के अराउंड मैंने खरीदा था और इसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था आज से 3 महीने पहले ऑलमोस्ट, एंड उस वीडियो पर आपने क्रेजी रिस्पॉन्स दिखाया। 1.4 मिलियन व्यूज अभी तक उस वीडियो पे हो चुका है, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और उस वीडियो पे ना गाइस काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इसके अंदर कस्टम वॉच फेस लगा सकते हैं, क्या इसके अंदर हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने इस स्मार्ट वॉच के ऊपर बना रखे हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद जाकर के आप बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 400-500-600 रुपए के अंदर आपको एक अच्छा स्मार्ट वॉच लेना था ना, तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, वर्किंग क्राउन मिल जाता है, इसके अंदर आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो, यानी कि खुद का वॉलपेपर लगा सकते हो, एप्पल लोगो लगा सकते हो, आपको यहाँ पे सेंसर्स मिलते हैं, हालांकि उनका एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फेक सेंसर होगा, लेकिन दिखाने के लिए ठीक ठाक सा फीचर मिल जाता है, गेम मिलता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, इस तरीके के बहुत सारे इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं। तो इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू वाले वीडियो पे गाइस एक कमेंट बहुत ही ज्यादा आ रहा है कि भाई क्या T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच है, प्लीज इसका वाटरप्रूफ टेस्ट वीडियो लेकर के आओ। तो फाइनली आज मैं आपके लिए T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का वाटरप्रूफ टेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं और देखते हैं कि क्या ये पानी में जाने के बाद 1 मिनट रहने के बाद सर्वाइव कर पाएगा या फिर डेड हो जाता है। तो अगर ये बच गया तो फिर तो ठीक है, वरना मेरा तो 600-700 रुपए का नुकसान होने वाला है। लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं, इसलिए गाइस ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखते रहने हैं ना तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं हूं अनिमेश और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा बॉक्स, ये कंटेनर। अगर आप इस चैनल के बहुत ही पुराने व्यूवर हो तो आपको पता होगा हर स्मार्ट वॉच का मैं ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ टेस्ट, फ्रीजिंग टेस्ट जरूर करता हूं, तो इसी डब्बे पे करता हूं। तो इसको पूरा पानी से भर लेते हैं और उसके बाद स्मार्ट वॉच किसके अंदर डालेंगे। डालने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि ये ओरिजिनल स्मार्ट वॉच है, रियल स्मार्ट वॉच है, कोई डेमो में यूज नहीं करने वाला हूं। आपको बिल्कुल यहां पे जो होगा अनकट होगा, रियल दिखाने वाला हूं। तो एक बोतल पानी है, इसको अच्छे तरीके से इस पे भर लेंगे, पूरा इतना भर देना है कि हमारा स्मार्ट वॉच अच्छी तरीके से डूब जाए और कोई भी चांसेस ना रहेगी कि ऊपर निकले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया अच्छे तरीके से। पहले आप देख लो गाइस ये जो स्मार्ट वॉच है एक रियल स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका टच वर्क कर रहा है काफी अच्छे तरीके से। इसके अंदर आपको इसका यहाँ पे क्राउन बटन भी वर्क करता हुआ नजर आएगा। देखो ऐसा नहीं कि ये कुछ खराब हो गया तब मैं इसको वाटरप्रूफ टेस्ट कर रहा हूँ। फुल्ली फंक्शनल न्यू स्मार्ट वॉच, कोई भी स्क्रैचेस नहीं है आप देख सकते हो, ना बॉडी पे ना स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पे, यानी कि एक आपको यहाँ पे रियल स्मार्ट वॉच है, कोई मैं डमी यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लो। तो अब करते हैं क्या गाइस, इसको यहाँ पे डिप करने से पहले यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इसको यहाँ अंदर डाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्मार्ट वॉच, इसको इसके अंदर डाल देते हैं, पूरा पानी में चला गया और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट तक इसे रखने वाले हैं पानी के अंदर और फिर देखेंगे कि ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता है। देख सकते हो उसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया पानी के अंदर। इसके बॉक्स पे ना कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये IP68 IP67 रेटिंग के साथ आता हो। तो अगर बच गया तो अपने किस्मत पे बचेगा और अगर खराब हो गया तो फिर कहना मुश्किल है। तो देखते हैं, 20 सेकेंड्स हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्क्रीन अभी ऑन है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्क्रीन टाइम आउट को ना 10 मिनट का रखा हुआ है। शायद 10 मिनट तक इसका स्क्रीन अब बंद नहीं होता है, क्योंकि बार बार बंद होता है तो यहाँ पे वीडियो बनाने में मुश्किल होती। तो यहाँ पे मुझे सब चीज़ अभी वर्किंग दिख रहा है, इसका डिस्प्ले भी अभी एक्टिव है और यहाँ पे आप टाइमर देख लो 38 सेकेंड्स हो चुके हैं। 1 मिनट 1.5 मिनट देखते हैं कितना रखते हैं, यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगर टच करने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर तो टच अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इसका पावर बटन ज़रूर वर्क कर रहा है यहाँ पे और क्राउन बटन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी भी फिलहाल वर्क कर रहा है गाइस। पता नहीं आपको विजिबल होगा कि नहीं, अगर टॉप एंगल से हो पाता तो मैं आपको दिखा पाता। 1 मिनट 3 सेकेंड हो चुके हैं और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसे बंद करते हैं और वीडियो अनकट है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, एक यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि स्मार्ट वॉच हमारा पानी के अंदर है। तो आप वहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे इसका टच वर्क नहीं कर रहा है पानी के अंदर, हालांकि बटन इसका फर्स्ट क्लास वर्क करता हुआ नजर आएगा, देखो ठीक है। तो ये रहा और 1 मिनट 7 सेकंड से ज़्यादा हो चुका है, 1.5 मिनट के राउंड। अब इसको निकाल लेंगे बाहर, निकाल लिया इसे मैंने बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हो पानी से इसे मैंने निकाल लिया है बाहर और यहाँ पे कुछ कुछ ऑन हो गया स्टॉपवॉच,
एक बार इसको झाड़ लेंगे अच्छे तरीके से, जितना पानी इसके अंदर से अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और ये कुछ देख सकते हो इस टाइप से हमारा स्मार्ट वॉच नजर आ रहा है। देखते हैं कि क्या इसका क्राउन बटन वर्क कर रहा है। तो देखो इसका क्राउन बटन यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसका पावर ऑन एंड ऑफ बटन भी वर्क कर रहा है, इसका एक्टिविटी बटन देखते हैं, एक्टिविटी बटन भी इसका ऑन हो गया। देखो अब देखते हैं मेन चीज कि इसका टच वर्क कर रहा है कि नहीं। तो टच के लिए गाइस यहाँ पे देखो इसका टच भी फर्स्ट क्लास वर्क करता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखो वाओ, यानी कि हमारा T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच ना यार एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे देखो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू स्टाइल्स में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसका टच अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि ये चार्ज लेगा कि नहीं लेगा और स्पीकर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। टेबल क्लीन कर लिया हमने, एक बार स्मार्ट वॉच को भी पोछ लेंगे अगर इसके ऊपर जो पानी है थोड़ा अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। 400-500-600 रुपए का रेंज का ये स्मार्ट वॉच है और अगर ये वाटरप्रूफ टेस्ट को सर्वाइव कर रहा है, यानी कि कितना तगड़ा आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रहा है ये आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये मैं अपना पावर बैंक लेके आ चुका हूँ, चार्जर इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बस इसके डॉक पे हमें अपने स्मार्ट वॉच को रख देना हो चार्ज होने लगता है। तो ये रहा, इस पे कोई पिन से ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, बस इसको यहाँ पे लगा देंगे, कनेक्ट कर दिया, पावर बैंक को ऑन कर देते हैं और स्मार्ट वॉच को लगाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं चार्ज होगा कि नहीं होगा। सो गाइस आप देख सकते हो ये चार्ज होना शुरू हो चुका है, यानी कि 1.5 मिनट ऑलमोस्ट पानी में रहने के बाद भी T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का टच वर्क कर रहा है, डिस्प्ले वर्क कर रहा है, बटन वर्क कर रहा है और चार्जिंग भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपको वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइज हमारा स्मार्ट वॉच फिलहाल कनेक्ट हो चुका है हमारे स्मार्टफोन के साथ और अब करते हैं क्या, यूट्यूब पे चलते हैं और यूट्यूब पे ना कोई भी एक यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें इसके स्पीकर से आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। स्पीकर पे पानी जाने की वजह से डेफिनेटली आउटपुट थोड़ा कम मिल रहा है, लाउडनेस थोड़ा सा कम लग रहा है, हालांकि वो सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सो गाइस सच में ना ये काफी ज्यादा क्रेजी स्मार्ट वॉच निकला। मैंने सोच लिया था कि ज्यादातर चांस है कि ये खराब हो ही जाएगा, खराब होने के बाद मैं आपको इसका टियर डाउन वीडियो जरूर देता, खोल करके दिखाता अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती है। हालांकि ये बच गया और मेरे पैसे बच गए, लेकिन अब आप कमेंट करके जरूर बताओ कि इसके साथ अब नेक्स्ट क्या किया जाए। क्या इसको 24 आवर्स के लिए पानी में डुबा करके फ्रीजर के अंदर डाल दिया जाए और बर्फ जब जम जाएगा तो फिर इसका फ्रीजिंग टेस्ट भी पता चल पाएगा कि ये जमने के बाद बचता है या फिर उस टाइम इसका गेम ओवर हो जाने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। इस स्मार्ट वॉच को खरीदना चाहते हो डेफिनेटली खरीद सकते हो, 500-600 रुपए के अंदर आपको काफी तगड़ा डील मिल रहा है। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहां से जाकर के खरीद सकते हो। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना सबके साथ इस वीडियो को और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलते हैं, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।